हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ है एंड आई विल बी टॉक टू टॉप 10 क्लासेज। और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे अभ्यास 7.3 के जो हमारा तीसरा सवाल है। पिछला एक सवाल और सवाल नंबर दो हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, या फिर वीडियो का लिंक आई कार्ड में आपको दिखाई दे रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा सवाल क्या कहता है उसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर तीसरे सवाल को हल करते हैं। तीसरा सवाल कह रहा है सिरसो 0, -1, 2, 1 और 0, 3 से बनने वाले त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्र के जो शीर्ष हैं वो दिए गए हैं, तो त्रिभुज का सिर उसका भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और उसी में एक दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल के शीर्ष को ज्ञात करना है, और उसके मध्य बिंदु को पता करके उनके अनुपात की गणना करना है। आइए हम लोग उसको हल करते हैं। तो जो हमारा सवाल तीसरा है वह आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, हम लोग तीसरे सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल कह रहा है दिए गए त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बराबर, एबीसी के शीर्ष ए दिए हैं 0, -1, बी दिया है 2, 1 और सी दिया है 0, 3। तो कह रहा है इससे बनने वाले त्रिभुज के मध्य शीर्ष ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज दिया है जिसमें ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर, तो यहां इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 = 0, y1 - 1, x2 = 2 और y2 = 1 और x3 = 0 और y3 = कितना 3 हो जाएगा। हम लोग इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब हम लोग इसको हल करते हैं 1/2। x1 का मान दिया है कितना 0, y2 का मान दिया है 1 माइनस y3 का मान दिया है 3 प्लस x2 का मान दिया है 2, y3 का मान दिया है 3 माइनस y1 का मान कितना दिया है -1 प्लस x3 का मान दिया 0, y1 का मान कितना दिया है -1 माइनस y2 का मान दिया है कितना 1 दिया है। हम लोग आगे हल करेंगे, हो जाएगा 1/2 कोष्टक में इसका गुणा 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, यहां पर माइनस है या गुणे माइनस बराबर प्लस है 1 हो गया। अब 3 में 1 जोड़ लिए, 3 कितना हो गया 4, 4 का गुणा 2 में कर दें तो कितना मिल गया 8 मिल गया। अब 0 का गुणा इन सभी के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी हमें मिल गया 8/2। अब इसको भाग दे दिए तो हमारा कितना इकाई आ गया 4 वर्ग इकाई आ गया जो हमारा त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल पूछ रहा था। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो पूछ रहा था वह 4 वर्ग इकाई आ गया। अब हमसे कह रहा है कि जो दिया गया त्रिभुज है, ए दिए गए त्रिभुज है और इसके कुछ शीर्ष दिए हैं जो ए बी और सी है। अब जो ए का निर्देश दिया है वह 0, -1, बी का निर्देश दिया है 2, 1 और सी का निर्देश दिया है 0, 3। अब हमें कह रहा है इसके मध्य बिंदु को निर्देश ज्ञात कीजिए, तो इसका मध्य बिंदु यहां पर 1 होगा, इसका मध्य बिंदु यहां होगा और इसका मध्य बिंदु यहां होगा। तो ए बी का मध्य बिंदु हमने मान लिया डी और ए सी का मध्य बिंदु हम लोगों ने मान लिया एफ और बी सी का मध्य बिंदु हमने मान लिया ई। अब हम लोग क्या करते हैं इसके मध्य बिंदु को पता कर लेते हैं, तो लिखेंगे ए बी का मध्य बिंदु
मध्य बिंदु का फार्मूला हम लोगों को पता है कि जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी को मध्य बिंदु ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोगों को फार्मूला पता होता है यक्स वन प्लस यक्स टू अपान टू कामा वाई वन प्लस वाई टू अपान टू होता है। तो हम लोग एसी के मध्य बिंदु को सबसे पहले एबी का मध्य बिंदु कौन है डी, डी का निर्देश, तो डी का निर्देश हम लोग पता कर लेते हैं, हो जाएगा क्या यक्स वन जीरो प्लस दो बटे दो कामा वाई वन माइनस एक प्लस एक, माइनस एक प्लस एक बटे कितना दो हो जाएगा, यानी इसका जो निर्देश मिलेगा दो और दो से भाग दे देंगे दो में तो एक कामा एक में से घट गया जीरो, यानी जो हमारा मिल गया डी का निर्देश वह कितना मिल गया एक कामा जीरो। अब हम लोग बीसी के मध्य बिंदु ई का निर्देश पता कर लेते हैं, ई का निर्देश हो जाएगा हमारा यक्स वन दो धन जीरो बटे दो कामा एक धन तीन बटे दो बराबर, दो में जीरो को जोड़ेंगे तो दो मिलेगा, दो से दो में भाग देंगे तो हो जाएगा एक कामा तीन एक हो जाएगा चार, चार में से दो भाग देंगे दो दूना कितना हो जाएगा चार हो जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे एसी के मध्य बिंदु यफ का निर्देश, यफ का निर्देश, यफ का निर्देश वही यक्स वन यक्स टू यानी जीरो प्लस जीरो बटे दो कामा माइनस एक प्लस तीन, माइनस एक प्लस तीन हो जाएगा, माइनस एक प्लस तीन बटे दो बराबर हो जाएगा, जीरो में जीरो जोड़ेंगे भागे दो देंगे तो जीरो कामा तीन में से एक गया हो जाएगा दो, दो में से दो भाग देंगे कितना हो जाएगा एक हो जाएगा, यानी जो हमारा डी ई एफ का निर्देश था वह क्रमशः एक जीरो एक दो और जीरो एक आ गया। तो हमसे कह रहा इसका भी जो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज होगा, मध्य बिंदु से बनने वाला जो त्रिभुज होगा इसका भी क्षेत्रफल को पता करना है, तो आइए हम लोग इसके भी क्षेत्रफल को पता कर लेते हैं। तो हम लोगों को इसके निर्देश मिल गए हैं तो हम लिखेंगे यहां इसमें जो दूसरा हो जाएगा कि त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ, डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा एक बटे दो यक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस यक्स टू वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस यक्स थ्री वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको निर्देशित कर लेते हैं, तो इसको निर्देश करेंगे यक्स वन बराबर यहां पर मिल जाएगा एक और वाई वन बराबर हम लोगों को कितना मिल जाएगा जीरो, और यक्स टू बराबर यहां पर मिल जाएगा एक और y2 बराबर यहां पर मिल जाएगा कितना दो, और x3 बराबर मिल जाएगा जीरो और y3 बराबर कितना मिल जाएगा एक मिल जाएगा। अब इसको उठाकर हम लोग रख देते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल में तो हो जाएगा बराबर एक बटे दो कोष्टक में x1 का मान दिया है एक कामा y2 का मान दिया है दो माइनस y3 का मान दिया है एक प्लस x2 का मान दिया है एक y3 का मान दिया है एक माइनस y1 का मान कितना दिया है जीरो प्लस x3 का मान दिया है जीरो y1 का मान कितना दिया है जीरो माइनस y2 का मान दिया है दो। अब हम लोग इसको हल कर लेंगे एक बटे दो, दो में से एक गया एक बचा एक का गुणा करेंगे एक में तो एक हो जाएगा, अब एक का गुणा फिर एक में करेंगे तो एक हो जाएगा और इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यानी एक में एक जोड़ लेंगे तो दो बटे कितना हो जाएगा दो, दो दो से काट गया हमारा आ गया कितना एक वर्ग मात्रक, एक वर्ग मात्रक इकाई आ गया। तो यही हम लोगों को जो त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल पूछ रहा था, डी ई एफ का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वह एक वर्ग क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार जो हमारा पूछ रहा था दोनों सवाल का क्षेत्रफल कितना होगा हमने क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, जो हमसे निर्देश पूछ रहा था डी का निर्देश हम लोगों को मिल गया एक कामा जीरो, ई का निर्देश हम लोगों को मिल गया एक कामा दो, एफ का निर्देश मिल गया जीरो कामा एक। अब इसकी सहायता से हम लोग त्रिभुज डी ई एफ को भी क्या कर लिए
पता कर लिए। तो हमें कह रहा है इनका साथ में अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हम लोग लिखेंगे दिए गए त्रिभुज के अनुपात, दिए गए त्रिभुज के अनुपात, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी के अनुपात क्या हो जाएंगे, अनुपात बराबर हो जाएगा त्रिभुज डी ई एफ बटा त्रिभुज ए बी सी बराबर, जो त्रिभुज डी ई एफ का मान मिला है एक बटे ए बी सी का मान मिला है चार, यानी जो इसका मान हो जाएगा एक अनुपात कितना चार, यही हम लोगों से पूछ रहा था और यही हम लोगों का क्या हो गया आंसर हो गया। इस प्रकार जो हमारा दिया गया तीसरा सवाल है वह भी क्या होता है, समाप्त होता है। अब चौथे सवाल को हम लोग हल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।